नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 इतिहास अध्याय 5 में उपनिवेशवादी आक्रमणों के बारे में अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, उपनिवेशवादी आक्रमण, हमारा भारत देश विविधताओं से भरपूर, गौरवान्वित अतीत और शांति का पुजारी के रूप में जाना जाता था। हमारे देश में इन उपनिवेशवादी शक्तियों के आगमन से पूर्व यहाँ पर एक विस्तृत मुगल साम्राज्य था। लोगों के पास अपने उद्योग धंधे थे, कृषि में काफ़ी अच्छी पैदावार होती थी और सबसे बड़ी बात थी कि लोग सीधे साधे और भोले भाले थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे। हमारे देश में पश्चिमोत्तर के व्यापारी व्यापार के लिए आते थे और हमारे यहाँ से सूती वस्त्र, जड़ी बूटियाँ, मसाले, आत्मनिर्मित हस्तनिर्मित वस्तुएं आदि ऐसी बहुत सी चीज़ें उपलब्ध होती थी। इन सब के आधार पर पश्चिमोत्तर के पास्ता और व्यापारी भारत से बड़ी संख्या में वस्तुएं लेते जाते और उसके बदले में उस समय की मुद्रा चांदी की चलती थी, वो दे करके जाते थे। इसलिए उस समय में चांदी का बहाव भारत की ओर था, क्योंकि भारत में मुगल साम्राज्य की है वो राजधानी थी। भारत के समृद्ध प्रांत बंगाल, अवध, मध्य भारत, दक्षिण भारत जैसे कई समृद्ध प्रांत थे जहाँ व्यापार, कृषि अत्यधिक फल फूल रहा था। उसी दौरान यूरोप में पुनर्जागरण होने के कारण लोगों में, यूरोप के लोगों में नई नई खोजें, नए नए क्षेत्रों को खोजने की रुचियां बढ़ी और उस समय तक भारत का व्यापार सीधा यूरोप से नहीं होता था, एशिया का व्यापार सीधा यूरोप से नहीं होता था। एशिया के पश्चिमोत्तर के व्यापारी भारत, चीन आदि से वस्तुएं खरीदकर पश्चिमोत्तर ले जाते और उसके बाद वे अदन मोखा के बंदरगाह, फारस की खाड़ी, लाल सागर से होते हुए यूरोप में पहुंचते, अर्थात सीधा व्यापार भारत के साथ नहीं था। भारत की आर्थिक समृद्धि, विविधता, भौगोलिकता को देखते हुए यूरोपीय देश भारत के साथ व्यापार के लिए आकर्षित हुए और इन यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा भारत पर अपने व्यापार क्षेत्र स्थापित करने की होड़ सी मच गई। वे भारत जैसे सरल देश, सभ्य देश के साथ व्यापारी नहीं अपितु अपना उपनिवेश स्थापित करना चाहते थे।
यूरोपीय देश अपनी आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त करना चाहते थे। वे भारत से खनिज पदार्थ, धन संपदा प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भारत पर व्यापार की नज़र से आए और अपने उपनिवेश स्थापित करने का कार्य शुरू किया। यहाँ के सरल स्वभाव के मनुष्य ने उनकी इस नीति को समझने में थोड़ी चूक कर दी और उन्होंने हमारी सरलता का वो फायदा उठाया। तो देखिए, उपनिवेशवादी आक्रमणों में हम पढ़ते हैं, तो देखिए पश्चिमी राष्ट्रों ने अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए नए देशों की खोज करके वहां अपना प्रभाव स्थापित करना शुरू कर दिया था। यानी यूरोपीय देश अपनी आर्थिक हित, अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए उन्होंने नए नए देशों को खोजा और वहां पर अपनी विभिन्न गतिविधियां स्थापित की थी। व्यापार की सुविधाएं प्राप्त की और बाद में साम्राज्य स्थापित भी किया। आए तो थे व्यापार के लिए, लेकिन उन्होंने यहाँ पर अपना साम्राज्य है वो स्थापित कर दिया था। 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य पश्चिमी देशों ने अपने आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस आदि राष्ट्रों ने भौगोलिक खोजों के माध्यम से उचित व अनुचित तरीके से औपनिवेशिक आक्रमण किए थे। अर्थात उन्होंने 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य पश्चिमी देश अपने आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस ने भौगोलिक खोजों के माध्यम से उचित व अनुचित तरीके से अपनी वैश्विक आक्रमण है वो शुरू कर दिए। अर्थात ये राष्ट्र भारत में अपना अपना उपनिवेश स्थापित करने में जोर देने लगे थे। उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप इन शक्तियों ने अपने उपनिवेशों में निरंकुश शासन की स्थापना की थी, आर्थिक शोषण कर उनके अमूल्य खजाने की खानों और महत्वपूर्ण वस्तुओं पर नियंत्रण है वो किया था। अर्थात इन राष्ट्रों ने हमारे यहाँ पर आक्रमण किया, अधिकार किया और हमारी विपुल संपदाएं, खनिज पदार्थ आदि पर उन्होंने है वो अधिकार कर लिया था। फिर देखिए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र के मूल निवासियों के साथ अत्याचार व बर्बरता का व्यवहार किया। मूल निवासियों को सभ्य बनाने के नाम पर उपनिवेशवादी शक्तियों ने स्थानीय लोगों का धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनाना शुरू कर दिया। अर्थात यहाँ तक ही नहीं, बल्कि उन्होंने भारत के स्थायी निवासियों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र पर भी अत्याचार किया और यहाँ तक भी उनका जीने भरा तो उन्होंने भारत के मूल निवासियों को सभ्य बनाने का बहाना बताकर उन्हें सभ्य बनाने के बहाने ईसाई धर्म से जोड़ने का कार्य भी है वो
किया था और ईसाई धर्म से जोड़ा और अपने धर्म व सभ्यता का प्रचार करना शुरू कर दिया था। अफ्रीका महाद्वीप में इनका व्यवहार अमानवीय था। अफ्रीकियों को गुलाम बनाकर अमेरिका भेजा जाता था और उन पर कई तरह के अमानुषिक अत्याचार किए जाते थे, कोड़े बरसाए जाते थे। अर्थात ये औपनिवेशिक शक्तियाँ जहाँ पर इन्होंने उपनिवेश स्थापित किया, चाहे एशिया हो या अफ्रीका हो, वहाँ के मूल निवासियों का अत्याचार ही नहीं बल्कि शोषण भी है वो किया था। दक्षिण अफ्रीका में मुख्य रूप से इंग्लैंड और फ्रांस दो शक्तियों का औपनिवेशिक आधिपत्य रहा। अंग्रेजों ने यहाँ भी रंग भेद की नीति अपनाई थी, श्वेत अश्वेत की नीति अपनाई थी, और जिसमें श्वेत उच्च नस्ल के माने जाते, अश्वेत निम्न नस्ल के माने जाते थे। अश्वेतों का शोषण एवं उन पर अत्याचार किया जाता था। यहाँ दास प्रथा का प्रचलन था। पश्चिमी देशों के लोग दासों का व्यापार करते थे। भारत प्राचीन काल से ही समृद्धशाली देश रहा था। भारत की सांस्कृतिक धरोहर, आर्थिक समृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति ने संसार को सदैव अपनी ओर आकर्षित किया है। भारत एक समृद्धशाली आध्यात्मिक देश माना जाता है। प्राचीन काल में भारतीय समृद्धि एवं संस्कृति का संचार व्यापक रूप से विश्व में हो चुका था। अपने अतीत में भारत को सोने की चिड़िया और विश्व का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता था। इससे हम समझ सकते हैं कि उस समय में भारत को विश्व में एक महत्वपूर्ण गुरु का स्थान प्राप्त था। इसलिए विश्व की निगाहें प्राचीन काल में सदैव भारत की ओर रही थी। प्राचीन काल से ही भारत के रोम एवं पश्चिमी एशिया देशों से सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध हैं वो रहे थे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत भूमि के प्रति यूरोपियों का आकर्षण और भी अधिक बढ़ गया। अर्थात यूरोप में पुनर्जागरण के बाद उनका भारत से आकर्षण और भी है वो बढ़ गया था, और इन्हें इस प्राचीन देश की ओर खींच लाया। औद्योगिक क्रांति के दौरान कुछ यूरोपीय देशों में जब पूंजीवाद परिपक्वता की ओर अग्रसर हुआ तो औपनिवेशिक विस्तार की नीति सीधे पूंजीवादी विकास की आवश्यकताओं से फरोख्त द्वारा मुनाफा कमाना ही नहीं वरन उनकी रुचि अपनी पूंजी और प्रौद्योगिकी का उपयोग कर उत्पादन बढ़ाना और जहां तक संभव हो कच्चा माल प्राप्त कर माल तैयार करना था। अर्थात औद्योगिकरण के दौरान वे भारत से कच्चा माल सस्ते दाम पर प्राप्त कर और अपने देश में उस कच्चे माल से वस्तुओं का निर्माण कर वापस उन वस्तुओं को भारत जैसे विशाल बाजार में भेजना। इससे यूरोपीय राष्ट्र अधिक से अधिक मुनाफा है वो कमा सकें
अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए औपनिवेशिक शक्तियों ने स्थानीय उद्योगों, व्यापारियों आदि को माल खरीदने के लिए बाध्य किया था। ऐसे में यूरोपीय देशों में अधिक से अधिक उपनिवेश प्राप्त करने की होड़ मच गई थी, अर्थात अधिक से अधिक देश उपनिवेश स्थापित करने में लगे हुए थे ताकि उनके द्वारा माल, कच्चे माल प्राप्त कर वस्तुएं तैयार करें और उन वस्तुओं को पुनः मार्केट में वो बेच सकें। 17वीं शताब्दी में भारत संसार के सबसे धनी देशों में से एक था और इस कथन की पुष्टि टेवर्नियर, एडम स्मिथ, वर्नियर जैसे लेखकों ने की है। इससे पता लगता है कि उसमें भारत समृद्धशाली देश था। कुछ अंग्रेज इतिहासकारों ने यूरोप वासियों के भारत आने का उद्देश्य भारतीयों को सभ्य बनाना बताया है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि धन की प्राप्ति, व्यापार में वृद्धि और ईसाई मत का प्रचार करना ही इन यूरोपियों का प्राथमिक उद्देश्य था, जो आगे चलकर राजनीतिक प्रचार व साम्राज्यवाद में बदल गया था। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना छल कपट, अत्याचार व शोषण से हुई थी। परिणाम स्वरूप यहाँ की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को आधारभूत क्षति हैं वो पहुंची थी। उन्होंने भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का सच्चा चित्र प्रस्तुत न कर भारत के इतिहास का विकृत रूप प्रस्तुत किया था। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि उपनिवेशी जो आक्रमण या विस्तार जो भारत में हुआ था, उसका मकसद था यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा भारत से अधिक मुनाफा कमाना था। भारत में औपनिवेशी शक्तियों में वास्को डी गामा, जो पुर्तगाली यात्री अपने जहाजी बेड़े के साथ 17 मई 1498 को कालीकट पहुंचा था और कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन ने अतिथि देवो भव की परंपरा से स्वागत किया और इससे वास्को डी गामा प्रभावित हुआ और पुर्तगालियों के व्यापार का सिलसिला है वो शुरू हो गया। इसके बाद डी अल्मेडा जैसे कई, अबू बकर जैसे कई वायसराय आए पुर्तगाली और जिन्होंने अपने व्यापार आदि को हैं वो बढ़ाया। इसी तरह डच हॉलैंड निवासी थे और 1602 में भारत में व्यापार के लिए आए थे। डेनमार्क वासी ये भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपनिवेशवाद की स्थापना के लिए आए थे और 1867 में यह भारत में रहे, लेकिन बाद में अधिक स्थायी समय तक नहीं रह सके और इसके बाद भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का आगमन होता है। भारत में सर्वाधिक अंग्रेजी साम्राज्य रहता है,
और कुछ क्षेत्र पर फ्रांसीसियों का अधिकार रहता है। दोनों के मध्य उपनिवेशों की स्थापना को लेकर युद्ध भी हैं वो होते हैं, जिसका हम कल अध्ययन है वो करेंगे। धन्यवाद।